दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएससीआर जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों बात करेंगे हम एसएसबी ट्रेडमैन में पोस्ट आ चुकी है, कैसे आपको ऑनलाइन करना है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला। 543 पोस्ट निकाली है एसएसबी ट्रेडमैन में, ठीक है दोस्तों। कितनी क्या वैकेंसी है, क्या कुछ मांग रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों। आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको दे सकते हैं। 20 मई 2023 6:30 बजे जो है इसका जो है आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन डेट इसकी जो है देख सकते हैं आप, 20 मई से स्टार्टिंग हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 18 जून रखी गई है। पेमेंट करने की भी 18 जून है। एडमिट कार्ड की कोई तारीख नहीं है अभी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के 100 रुपये फीस है और एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है 543 वैकेंसी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। सफाई वाला आप इसे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यहाँ पे कुछ हाई स्कूल से भी वैकेंसी है, कुछ डिप्लोमा से भी है, हर चीज़ से वैकेंसी निकाली है, ठीक है दोस्तों। आपको इसको लर्न करके दिखाता हूँ। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, इसके सामने क्लिक कर रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर जैसे आप क्लिक है, आपके सामने एक इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको ये डिटेल भरनी है, आपको डिटेल भर के दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने ये डिटेल भर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पे पोस्ट एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे अपनी पोस्ट भरनी है, जो भी आपको पोस्ट अच्छी लगती है। जैसे मैंने सफाई कर्मचारी वाला भर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में नाम देना है, उसके बाद लास्ट सरनेम में नाम डालना है आपको। अगर आपको सरनेम नहीं है तो आप सरनेम मत दीजिए, अगर आपको सरनेम है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद अपना पिता का नाम सुनेंगे, मदर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसके बाद मेल है या फीमेल है, इंडियन चुनेंगे, उसके बाद धर्म चुन लेंगे जो भी आपका धर्म है, उसके बाद आपका अनमेरिड है या मैरिड है वो देख लेंगे, उसके बाद अपनी कास्ट चुन लेंगे जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है सारे पे नो नो करने हैं आपको, ठीक है दोस्तों, सब पे नो करने। उसके बाद आधार सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है। आपके पास अगर बॉडी पे कोई मार्क है तो मार्क डाल देगा, अदरवाइज हम नो मार्क डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। आपको ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद आपको यह है वो जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पे मैट्रिक्स, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया है वो डाल देंगे, कब किया है वो डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे और सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, इशू डेट डाल देंगे। इशू डेट आपकी 10वीं की मार्कशीट के नीचे होती है। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, क्या परसेंटेज डाल देंगे। आपको अगर आपको 10वीं से ही बनना है तो ये 10वीं से भी है, क्योंकि आपका जो स्टार है वो 10वीं पे लग रहा है। अगर आपको 12वीं की डिटेल देनी है तो दे सकते हैं, जैसे मैंने दे रखी है। यूपी बोर्ड डाल दिया है, इंटर से मैंने यूपी बोर्ड किया है और कब किया है वो डाल दिया है, रोल नंबर डाल दिया है और इसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डाल दिया, कॉमर्स से मैंने इंटर किया है, उसके बाद आप ये परसेंटेज डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको सेम नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया करेगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस दोस्तों वही डालना जो आपका हो, क्योंकि मैं तो आपको डेमो के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन चुन लेंगे, उसके बाद अपना जो है स्टेट चुन लेंगे, सिटी चुन लेंगे अपना, और पिन कोड आप डाल देंगे जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका दोनों का सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो इनके एड्रेस था वो इधर आ चुका है। यहाँ पे आपको इन्हें नो करना है। अब दोस्तों मैंने एड्रेस वगैरह डाल दिया है, यहाँ पे भी कर दिया। अब आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड किस तरह से बनाना है वो आपको बताता हूँ मैं आपको। जैसे नाम है अमित, ए बड़ा लिखना है, AMIT और @1234, इस तरह से अपना पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर ये इस प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी डिटेल सारी चेक कर लेना, नाम वगैरह, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब कुछ। आप जब आपको लगे सब चीज़ ठीक है मेरा, आपको नीचे आना है और ये यहाँ पर टिक करना है और ये कैप्चर डालना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके सामने जो है इस तरह का आपके सामने रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी आपका। अब आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, आप देख सकते हैं फ़ोटो और साइन अपलोड करना है।
मेरा जो फोटो और साइन लग चुका है, अब प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आपका जो है दोस्तों फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है प्रिंट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो है फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा भरा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी पीडीएफ अपने पास रखते हैं या इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एसएसबी ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया। दोस्तों अगर वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।